बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए फ़िलहाल ये पहला स्टेप है, और इस फर्स्ट स्टेप के लिए जो हमने ना चिकन को मैरिनेट करना है, ये है 2 kg चिकन, यानी कि 2 किलो चिकन। गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका, और ये योगर्ट दही 1 कप, और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और ये है कुटा हुआ लाल मसाला 2 टेबल स्पून। बस फिलहाल ये सिंपल सी मैरिनेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन के स्लाइस रख लेते हैं पहले हम। ये फुल सारा हमने, अब हमने इसके अंदर पहले दही, गरम मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटा हुआ लाल मसाला और पिसा हुआ लाल मसाला, और हमने फिर इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमने इसे ओवरनाइट रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा मैरिनेट हो गया चिकन। अब हमने ओवरनाइट इसे कवर करके रेफ्रिजरेटर में रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज हमारे पील हो चुके हैं, अब हमने इन्हें फ्राई कर लेना है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो, ज़्यादा डार्क नहीं करना इन्हें। बिरयानी के लिए हम कर रहे हैं। ऑयल ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, ना जले और ना ही काले हो। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया प्याजों का, बेहतरीन कलर आ चुका है प्याजों का। ये अब हमने एक प्लेट में टिश्यूज लगा दिए हैं, और उसके ऊपर हमने प्याजों को डाल देना है ऐसे, और प्याज भी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें ज़रा हवा लगवानी है, जरा इसमें क्रिस्प आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ओवरनाइट पूरा मैंने मैरिनेशन किया चिकन की, अब हम इसे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्हें हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बल्कि पूरा फ्राई करना है प्रॉपर, जैसे बनते हैं चिकन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे फुल फ्राई हो चुके हैं, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे रेडी हो चुके हैं, इन्हें अब हम ऑयल से रिमूव करेंगे। ये हमारे चिकन पीस रेडी हो चुके हैं बिरयानी के लिए। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमने बनानी है बिरयानी की, अब हमने बनानी है बिरयानी की ग्रेवी। उसके लिए जिन्हें जायके की जरूरत है, ये 2 बड़े प्याज है, इन्हें मैंने लच्छेदार काट लिया है, या फाइनली चॉप कर ले। रेड चिली क्रश्ड 1 टेबल स्पून, ये नींबू है
दो बड़े लीमू हैं, उन्हें हमने स्लाइस में काट लिया है गोल गोल, ज़ाफ़रान, केवड़ा, ड्राई प्लम, आलू बुखारे, ग्रीन चिलीज, टमाटोज, पिसा हुआ लाल मसाला, और ये 1 टेबलस्पून है बिरयानी मिक्स बिरयानी मसाला, गरम मसाला, इसमें हर चीज़ है, ये बे लीफ, तेज़पात के पत्ते, टर्मेरिक हल्दी 1/2 टीस्पून, आलू उंगली, इसे पानी में भिगो के रख दिया है और इसका पल्प निकाल के हमने ऐड करना है, नमक हसबे जायका, और प्लम भी, ड्राई प्लम भी पानी में भिगो दिया है, इसका इसे भी हमने थोड़ी देर बाद ऐड करना है, टमाटोस 4 बड़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल के अंदर मैंने प्याज और लाल कुटा और मसाला ऐड कर दिया है, ये थोड़े से गल जाएं फिर हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं, हल्का हल्का ब्राउन हो जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें हल्दी, मसाला, कुटा हुआ लाल मसाला और टमाटर, नमक, अच्छी तरह फुल ग्रेवी बनानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चावल बॉयल करने के लिए मैंने पानी रख दिया है पतीले के अंदर, इसके अंदर मैंने ऑयल भी मिला दिया है, फिर मुझे याद है आपको बताया तो है नहीं, अब मैं सिरका मिला रही हूँ और साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, अब इसमें नमक मिला दें और ये जब बॉयल होगा हम इसमें राइस मिलाएंगे, चिकन था 1.5 किलो और चावल है हमारे 1 किलो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही मैंने इसमें शामिल कर दिया है, फटाफट इसे मैंने रेडी कर लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्चों को हमने 4-5 टुकड़ों में एक हरी मिर्च को काट लिया, यानी कि 5-6 हरी मिर्ची थी उन्हें मैंने काट लिया टुकड़ों के अंदर, ड्राई प्लम पानी में भिगो के रखा हुआ था, आलू इमली का पल्प, गरम मसाला, येलो फूड कलर, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही 1 कप यूज करनी है ग्रेवी में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने इसमें बिरयानी को अब दम लगाना है, ऑयल डालें, अब हमने राइस अपने तह लगानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी लग गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमने इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
रहमान रहीम। अब हमने इसके ऊपर चिकन को और दूसरी तह चावलों की अब इसमें लेमन और ये हमारे फूड कलर, ये ऐसे हमने ना साइडों पे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये प्याज है और इसके अंदर ये देखें क्रच की आवाज भी आ रही है, बेहतरीन हमारे प्याज हैं। अब ऊपर से ये प्याज इसके कैप के ऊपर हमने गीला रुमाल लगा दिया और अब हम इसे दम दे देंगे 15 से 20 मिनट तक। ये दम पे हमारी बिरयानी है 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिरयानी का दम खोलने का टाइम आ गया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसे अब हमने मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। देखें मज़ेदार सी, खूबसूरत सी, खुशबूदार। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल बटन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।